वाह, क्या अद्भुत नृत्य किया है इन लोगों ने, मजा ही आ गया। बन जा। ध्रुवी, क्या तुम्हें पता है कि रामनवमी आ रही है? हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हो कि रामनवमी का हमारे हिंदू धर्म में क्यों इतना महत्व है? हेलो, जब प्रभु श्री राम का इस धरती पे आगमन हुआ, एक दशरथ पुत्र के रूप में पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी थी। बस सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। हाँ वही, प्रभु श्री राम अपना राजपाट, भवन, सुख चैन सब त्याग कर अपने भ्राता श्री लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता संग 14 साल के वनवास को चले गए थे। हाँ, बिना कुछ बोले अपना धर्म समझ कर बस चले थे, तो है मेरे सिया राम। अरे, मार्ग में तो कांटे आए, कंकर आए, बस छोड़ा ना दोनों ने एक दूसरे का साथ। मैंने दुनिया देख ली, लेकिन सियाराम सा कोई ना देखा, सियाराम सा कोई ना देखा। अरे मेरे प्रभु श्री राम तो मर्यादा, तप, शीतलता, प्रेम तथा त्याग की मूर्त थे। वह बुराई पे जीत का प्रतीक थे। तो इसी रामनवमी के उमंग को, उत्साह को और भक्ति को हम यहाँ पे भी देख कर उसका अभ्यास कर सकते हैं। भला वो कैसे? तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक ऐसी अद्भुत और गुणों से भरी हुई एक खूबसूरत परफॉर्मेंस जो लाने जा रहे हैं हमारे सीना के जी कुश के स्टूडेंट्स, और वो हमें उसी युग के दर्शन भी करवाएंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा।